हाय गाइस, पिछले 30 दिनों से इस फोन पर टेस्टिंग चल रही थी OnePlus 12। वैसे यूजुअली ना 15 डेज का रिव्यू ला पाता हूँ मैं, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम होता है। बट अब क्योंकि टीम बड़ी हो गई है, तो थोड़ा टीम के साथ मैं भी सिम चेंज करता रहता हूँ, फोन में टेस्ट करता रहता हूँ। तो 30 डेज में ना इस फोन के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें फील हुई। और एक चीज जो आप मेरी वीडियो रेगुलरली देखते हो, आपको समझ में आ गया होगा कि 2024 में ना ब्रांड कुछ कमाल ही कर रहे हैं भाई। सीरियसली देखा जाए ना तो सच में सारे ब्रांड कुछ ज्यादा ही अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि OnePlus जो है ना ऑलरेडी बहुत अच्छे ब्रांड में आता है, तो इससे ना एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है कि और भी अच्छा काम करे ये। और ये जो OnePlus 12 है ना, आज इसकी मैं अगर कोई बुराई भी करूंगा उसको माइंड मत करना, फोन जो है बहुत फैंटास्टिक है। बस एक चीज है इस फोन के अंदर, अगर वो भी अच्छी कर दी जाए ना, OnePlus को कोई भी नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। लिटरली बेस्ट ब्रांड बन जाएगा एंड्रॉयड वर्ल्ड के अंदर ये। क्या है वो प्रॉब्लम, क्या वो चीज़ है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्या स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बात। मैं आप लोगों को टेक खरीदिंग एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अब क्योंकि 30 डेज से फोन की टेस्टिंग चल रही थी, तो बहुत छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन मुझे आई। सबसे पहले डिजाइन का एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूं यार। और क्योंकि बहुत दिन थे मेरे पास इस फोन को टेस्ट करने के लिए, तो बहुत सारी ऑब्जर्वेशन और बहुत छोटी छोटी बातें हैं। जैसे कंफर्ट के बारे में बात करते हैं, देखो इस बीच में मैंने बहुत फोन्स में शिफ्ट करा है, चाहे फिर वो इससे छोटे फोन हो या इससे बड़े फोन हो। बट मैंने एक चीज नोटिस करी है कि फोन कंफर्टेबल बहुत ज्यादा बनाया है OnePlus ने। मुझे ऐसा सच कोई बड़ी शिकायत नहीं है, क्योंकि इतने सारे फोन शिफ्ट करने के बाद मुझे फील हुआ कि अगर मुझे कोई बड़े साइज का फोन चाहिए हो ना, OnePlus ने परफेक्ट साइज का फोन बना रखा है। चाहे फिर वो कर्व करी हो डिस्प्ले इन्होंने, चाहे जैसे भी इन्होंने एस्पेक्ट रेशियो बनाया हो, मुझे सच में बहुत कंफर्टेबल लगा है। और स्पेशली चैट करते समय ना मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होती, मैं लॉन्ग ड्यूरेशन तक चैट कर पाता हूँ। बट दो सिनेरियो है जहां पर मुझे फोन कंफर्टेबल नहीं लगा। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना और मैं क्या कहने वाला हूं। देखो काफी बार ऐसा होता है ना कि हम लोग स्ट्रेट बेड पे लेटे होते हैं और फोन को यूज कर रहे होते हैं। देखो जब मैंने इस फोन को ऐसे यूज करा है तो मुझे एक्सटर्नल टच फेस हुआ है। और एक्सटर्नल टच भी तभी होता है जब किसी कॉर्नर में कोई आइकन में थंब स्ट्रेच करके टच कर रहा हूं, तो तब एक्सटर्नल टच आ जाता है, जो कि बहुत इरिटेटिंग लगता है। और दूसरा डिस्कम्फर्ट का सिनेरियो पता है बहुत क्रिटिकल लगा मुझे पर्सनली। और क्योंकि मैंने फोन विदाउट केस यूज करा है और जो एजेस है ना, जो फ्रेम वाला पार्ट है, वो बहुत छोटा सा एरिया है, तो मुझे ना कोई भी कॉन्टेंट देखना है विदाउट केस फोन अगर मैं यूज कर रहा हूँ, तो मुझे ना ऐसे फिंगर्स से पकड़ना पड़ता है, वरना एक्सटर्नल टच आ जाएगा ये कर्व डिस्प्लेस के अंदर, और ना लिटरली टेंशन बिल्ड हो जाती है, ऐसे स्ट्रेस हो जाता है उंगलियों में ऐसे होल्ड करके रखने में। तो ये मुझे थोड़ा डिस्कम्फर्ट का पार्ट फील हुआ। बट एकदम फेयर तरीके से बताऊं तो ये जो दो डिस्कम्फर्ट की चीजें बताई ना, तभी होगा जब आप विदाउट केस फोन को यूज करोगे। जैसे केस लगाया, ये दोनों प्रॉब्लम इजिली सॉल्व हो सकती है। बाकी नए लोगों को बता दूं, जब भी फोन को रिव्यू किया जाता है ना, वो विदाउट केस इसलिए किया जाता है जिससे स्क्रैचेस का पता लग जाए कि फोन की ड्यूरेबिलिटी कैसी है, फ्रेम पे स्क्रैच आते हैं कि नहीं, बैक पैनल कैसे हैंडल रहता है। तो देखो जब विदाउट केस यूज करें, बैक पैनल पे कोई भी स्क्रैच नहीं है, तो ये चीज अच्छी है। बस ये कैमरा मॉड्यूल के कॉर्नर में एक डेंट आ चुका है, जो मेरे को यहाँ पर टच करने पे भी फील हो रहा है। तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन रहेगी, केस लगाना एक समझदारी रहेगी। और पता है OnePlus 12 की जो डिस्प्ले है, उस पर ऑलरेडी एक स्क्रीन गार्ड लगा हुआ आता है, और 30 दिन इस फोन को यूज करने के बाद उस पर बहुत ज्यादा स्क्रैचेस पड़ गए थे, तो मैंने हटा दिया। बट हाँ, उसके बाद फोन को जरा मैं ध्यान से ही यूज कर रहा हूँ, तो फ्रंट पर अभी तक कोई स्क्रैच तो नहीं आया है। बट हैप्टिक्स की बात की जाए ना, तो 65,000 रुपए का फोन है, और क्या कमाल के हैप्टिक्स दे रखे यार। एक तो यूआई में जगह जगह तो फील होती है, बट जैसे कोई कॉल आई है, कोई नोटिफिकेशन आई है, कभी मिस नहीं होती यार, इतने अच्छे हैप्टिक्स होना। मैं ये तक बोल सकता हूँ कि इस फोन के जो हैप्टिक्स है ना, टॉप 3 में आएंगे अगर मैं सारे फोन से कंपेयर कर लूँ। और OnePlus की जो पहचान है एलर्ट स्लाइडर की, भाई बिना फोन को ऑन करे रिंग साइलेंट हो जाता है, तो ये तो लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्पफुल चीज है। और एक सुपर रैंडम थॉट आया था मेरे माइंड में, क्या अलर्ट स्लाइडर को, वैसे पॉसिबल नहीं है ये कि क्योंकि स्लाइडर है ना, बट स्टिल अलर्ट स्लाइडर को सॉफ्टवेयर की फंक्शनलिटी देनी हो तो आप क्या पसंद करोगे, मतलब क्या फंक्शनलिटी आ जाए इसके अंदर, कमेंट सेक्शन में बताओ, थोड़ा सा एक गेम खेलते हैं। अच्छा, एक चीज जो मैं स्पेशली आप लोगों को बताना चाहता था, अब क्योंकि OnePlus 12 के अंदर जो टाइप सी पोर्ट है वो 3.2 हो गया है, इस वजह से डेटा ट्रांसफर स्पीड तो बढ़ी है, साथ के साथ पीडी चार्जिंग की भी स्पीड बढ़ी है। मतलब पहले अगर मेरे पास OnePlus का चार्जर नहीं होता था तो 2.5 घंटे तक लग जाते थे पीडी चार्जर से पूरे फोन को चार्ज करने में, बट इस नए टाइप सी पोर्ट की वजह से ना 1.5 घंटे में चार्ज हो सकता है अगर मेरे पास कोई चार्जर पड़ा है पीडी वाला तो। और पर्सनली ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा मतलब हेल्पफुल लगी। बाकी यार नेटवर्क से मुझे कोई प्रॉब्लम फेस ही नहीं हुई, मैंने न्यू दिल्ली के अंदर एयरटेल यूज करा है, और जो स्पीकर है इस फोन के वो मुझे बहुत अच्छे लगे, काफी लाउड। बाकी इस फोन का जो डिस्प्ले एक्सपीरियंस है ना, वो मेरा बहुत पॉजिटिव है। मतलब 6.8 इंच की डिस्प्ले है, काफी बड़ी मानी जाती है, ना ही मुझे प्रोडक्टिविटी में प्रॉब्लम हुई, चाहे फिर वो मेरे को पूरी मल्टीटास्किंग करनी हो या फिर कोई कंटेंट देखना हो, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी डिस्प्ले है। और अगर मैं फोन में इंडोर काम कर रहा हूं, तो ज्यादातर सिनेरियो में इनफ ब्राइटनेस भी लेकर आता है फोन। वैसे मेरा एक रैंडम थॉट था, और मेरा क्वेश्चन भी है
OnePlus से मेरे को कंप्लेंट नहीं आई। जैसे कि मैं iPhone 15 यूज कर रहा था, S24 यूज कर रहा था, उन सब में ना बहुत अच्छी ब्राइटनेस है 2000 nits के आसपास। और जो वो 2000 nits है ना, वो अंडर द सन मतलब डायरेक्ट सनलाइट में भी हिट हो जाती है, तो ज्यादा क्लैरिटी रहती है जब आउटडोर फोन को यूज करो तो। क्या ऐसा पॉसिबल है? जैसे कि OnePlus 12 में ना आपने 4500 nits की ब्राइटनेस दे दी, इसको आप 3000 nits कर दो जो HDR वगैरह में वर्क करती है, बट अंडर द सन आपका फोन जैसे 1600 nits पे वर्क करता है अभी, उसको 2000 कर सकते हो आप। अगर ऐसा कर दिया तो रीडेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी डायरेक्ट सनलाइट में। बट ये कंप्लेंट नहीं है, जस्ट एक थॉट था, मे बी जब OnePlus 13 आए तो मे बी OnePlus इस चीज को कंसिडर कर ले। बट गाइस मैं आपको ये बता दूं, जो ये 4500 nits की ब्राइटनेस है ना HDR में जब ये हिट करती है बहुत मस्त लगती है, मतलब पीकी ब्लाइंडनेस देखा है मैंने इसमें और बहुत अच्छा लाइक आउटपुट आता है, तो कॉन्टेंट देखने के लिए तो फैंटेस्टिक है इनडोर डिस्प्ले। बाकी बैटरी एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरे को एक्सपेक्टेड था कि अच्छा बैटरी बैकअप रहेगा इस फोन का, और मेरी एक्सपेक्टेशन गलत भी नहीं निकली। पहले बैटरी बैकअप के ना कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूँ यहाँ से। अब स्क्रीन ऑन टाइम तो ऑब्वियसली देखना ही, बट साथ में यूसेज टाइम भी देखना, मतलब 24 घंटे के अराउंड तक भी ये फोन चला है, बट अगर एवरेज की बात करूँ तो 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है, और अगर लाइट यूसेज करिए तो ये उससे भी ज्यादा गया है स्क्रीन ऑन टाइम। और पर्टिकुलरली ये वाला स्क्रीनशॉट देखो, मैंने फोन को अच्छे से यूज करा है, इनफैक्ट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी ऑन थी इस टाइम पे, स्टिल 7 घंटे 40 मिनट के अराउंड का स्क्रीन ऑन टाइम बहुत अच्छा माना जाता है। बैटरी बैकअप मुझे सॉर्टेड लगी, क्योंकि 24 घंटे में ना एक ही बार मैं इस फोन को चार्ज कर रहा था जैसे कि यूसेज में लिखा हुआ था, और जो चार्जिंग स्पीड है वो 100 वॉट है, तो बहुत फटाफट फोन चार्ज हो जाता है, तो जो बैटरी का एक्सपीरियंस था ना मेरे को काफी पसंद आया। बाकी आइडल ड्रेन की बात करूं कि पूरी रात फोन जो है लाइक आइडल है तो कितनी बैटरी लॉस होती है, तो मैंने देखा विदाउट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के 4% लॉस होता है, और अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन कर रखी है तो 7% का लॉस आता है, तो ये भी सही नंबर है। बाकी मैं इंटरनेट पे ना इस फोन के बारे में पढ़ता रहता हूं कि लोग क्या एग्जैक्टली में सोच रहे हैं, तो मेरे को हर जगह दिख ही जाता है परफॉर्मेंस में हर कोई ये बात करता है कि थ्रॉटलिंग है फोन में। मतलब वैसे इस फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 है, लेटेस्ट प्रोसेसर है, बहुत पावरफुल है, बट क्योंकि OnePlus 12 का सीपीयू थ्रॉटलिंग का ग्राफ बहुत बुरा आता है, तो सबको ये तो लगता है कि ये फोन जैसे ही हीट करता है इसकी परफॉर्मेंस भी डाउन जाती है, लैग वगैरह होते होंगे। बट कितनी अजीब बात है कि अगर इस फोन को रियल लाइफ में यूज करो और इसमें कितना भी हैवी टास्क परफॉर्म करो, क्योंकि मैंने तो एक दिन में कुछ 200 के अराउंड फोटोज भी खींची थी, तब भी इस फोन ने ऐसे हीट करके थ्रॉटल नहीं किया है, बट ऐसे सीपीयू थ्रॉटलिंग में क्यों आ रहा है इसकी अंडरस्टैंडिंग मुझे अभी तक नहीं है। और फॉर सम रीजन इस OnePlus 12 के बेंचमार्क स्कोर्स भी ना कॉम्पिटिशन के मुकाबले जिसके अंदर सेम प्रोसेसर है कम ही आते हैं, बट स्टिल यार परफॉर्मेंस की कमी सच में इस फोन में फील नहीं होती। अब देखो ऐसा हो सकता है कि भाई अभी मैं दिल्ली में हूं, मार्च का टाइम चल रहा है, इस टाइम पे दिल्ली में कोई गर्मी नहीं आई है, मतलब समर टाइम नहीं है और ना ही पीक समर हिट करी है दिल्ली के अंदर। मे भी हो सकता है कि जब मई या जून आए जब बहुत गर्मी होती है तो शायद से फोन हीट करे थ्रॉटल करे, बट उसके लिए फिर वेट करना पड़ेगा, बट फिलहाल एक्सपीरियंस तो स्टेबल ही है यार। और स्टेबल वर्ड मैंने ऐसे यूज नहीं करा, मतलब जेंशन इंपैक्ट इतना हेवी गेम है, सारे फोन उसके अंदर लैग कर जाते हैं। मैंने इस OnePlus 12 में 1 घंटे के अराउंड खेला जेंशन इंपैक्ट मैक्स सेटिंग पे, स्टिल लास्ट में या फिर मैं कहूं गेम प्ले के टाइम पे भी इसने कोई परफॉर्मेंस ड्रॉप दिखाई नहीं, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन तो है। और ऑब्वियसली यार इस फोन में अगर हेवी टास्क रन हो जाते हैं तो जो डे टू डे लाइफ की एप्स होती है, चाहे फिर वो सोशल मीडिया क्यों ना हो, वो भी अच्छे से हैंडल कर लेता है। हाँ, रैम मैनेजमेंट पहले से इंप्रूव हुई है, मैं इसको लाइक डिसेंट बोल सकता हूं रैम मैनेजमेंट को। अब थोड़े से सीरियस हो जाते हैं। स्टार्टिंग मैंने आप लोग को बोला था ना कि एक चीज है OnePlus ने अगर अपनी ठीक कर ली तो अनबीटेबल ब्रांड बन जाएगा ये, वो है सॉफ्टवेयर। क्योंकि जब इस फोन को 30 दिन यूज करा गया ना, तब मुझे ऐसी फीलिंग आई कि हाँ यार और बेटर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस किया जा सकता था, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे प्रीमियम फीलिंग नहीं आई मुझे। मल्टीपल एग्जांपल्स बताता हूँ। देखो मैं ना विजेट्स बहुत यूज करता हूँ, एक है ना वर्ल्ड क्लॉक है गूगल की, जो कि मेरे को बहुत हैंडी लगती है, और फॉर सम रीजन जो ऑक्सीजन ओएस है इस फोन के अंदर, मुझे ना रिसाइज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इन दिनों मैंने बहुत फोन यूज करे हैं, बट सिर्फ इसी फोन में ऐसा होता है कि इसको बहुत ज्यादा रिसाइज करना पड़ता है मुझे, मतलब बड़ा करना पड़ता है जिससे मैं इसको देख सकूं। और वर्स्ट पार्ट तो ये है कि रैंडमली ऐसा होता है कि सडनली इतना बड़ा साइज करने के बाद भी ये विजेट का साइज बहुत छोटा हो जाता है, और फिर बड़ा भी नहीं होता खुद से, मुझे रीस्टार्ट करना पड़ता है फोन को। और दूसरी कंप्लेंट पता है मेरी क्या है? लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन लिटरली बहुत सारे ब्रांड लिया है, हर एक महंगे फोन के अंदर लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन है, इस फोन में क्यों नहीं है? और एक चीज तो मुझे समझ ही नहीं आती, अगर मैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले से अगर लॉक स्क्रीन में जाता हूं तो कोई एनिमेशन क्यों नहीं है इस OnePlus 12 के अंदर? मतलब अगर मैं बात करूं नथिंग फोन की या फिर सैमसंग की, आईफोन की, पिक्सल
की लिटरली सारे फोन जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले से लॉक स्क्रीन में ट्रांजिशन के साथ आते हैं, बट ये डायरेक्ट जाता है, इसमें कोई ट्रांजिशन नहीं है। आपको सुनने में लग रहा होगा बड़ी बात नहीं है, बट बिलीव मी प्रीमियम टच है जिसके लिए आप पे करोगे। इनफैक्ट ये भी देख लो, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में अगर मेरे पास व्हाट्सएप आया है तो ये पुराना व्हाट्सएप शो करेगा, ये मेरा लेटेस्ट मैसेज नहीं है। आई थिंक ये बग है जो फिक्स करे जाना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी वन प्लस के फोन में नोटिस करा बट कभी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बात यहाँ खत्म नहीं होती, नोटिफिकेशन सेंटर भी मेरे हिसाब से इम्प्रूव किया जाना चाहिए यार, इसको कलरफुल करना चाहिए मोस्ट इम्पोर्टेंटली, क्योंकि मैं नथिंग को साइड बाय साइड में रख के दिखाता हूँ। अगर नोटिफिकेशन कलरफुल होती है ना, पता लगता है कोई दूसरी ऐप है। अब यहाँ पर ना सब कुछ सेम लगता है ब्लैक एंड व्हाइट की वजह से, बस टाइटल है जैसे कि व्हाट्सएप लिखा हुआ है या फिर इंस्टाग्राम, इसी से पता लगता है, बट आई विश ये कलरफुल हो। और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मैं गिनवा सकता हूँ जो इनकंसिस्टेंट बोली जाएगी पूरी यूआई के अंदर। अब आप ये मत समझना कि मैं इतना क्रिटिकल वन प्लस को लेके क्यों हो रहा हूँ सडनली। देखो एक टाइम था वन प्लस को सच में सॉफ्टवेयर बनाने आते थे, आप सबको पता है वो टाइम कितना गोल्डन पीरियड था। ऑब्वियसली अच्छे ब्रांड से ही एक्सपेक्टेशन होती है कि वो और अच्छा काम करेंगे, तभी इतनी शिकायतें कर रहा हूँ, और शिकायतें भी आप लोग के लिए कर रहा हूँ जिससे नेक्स्ट टाइम और बेटर एक्सपीरियंस मिले। नहीं तो ऐसा नहीं है कि इस सॉफ्टवेयर का बेटर एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ कुछ फीचर्स तो माइंड ब्लोइंग लगते हैं मेरे को इसके अंदर। जैसे कि बताऊं, जैसे कि ये देखो मैंने बैक करा यहाँ पर और होल्ड करके रखूंगा ना तो पुराने वाली ऐप खुल जाएगी जो मैंने इससे पहले खोली हुई थी। ये फीचर मेरे को अभी तक किसी यूआई में नहीं देखने को मिला और बहुत मस्त है। और जो प्री इंस्टॉल ऐप्स की सिचुएशन है ना, जो ब्लोटवेयर बोला जाता है, वो बहुत बढ़िया है इस फोन के अंदर। मतलब मैं चाहूँ ना वन प्लस की डिफॉल्ट ऐप भी डिसेबल करना, वो मैं कर सकता हूँ लिटरली, और पूरी यूआई में फिर वो कहीं नहीं चलेगी। रिसेंटली जो फाइल डॉक नाम का फीचर आया ना, मतलब इससे कोई भी डाउनलोडेड चीज जो आपने रिसेंटली करी है या फिर कोई फोटो खींचे तो ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाती है, ये फीचर मुझे बहुत पसंद आया। बस ये व्हाट्सएप टेलीग्राम इन सब पे वर्क नहीं करता, और ऐप में भी इसका सपोर्ट आ जाए तो और मस्त फीचर होगा ये। इन शॉर्ट इस ऑक्सीजन ओएस में ना कुछ चीजें बहुत अच्छी है, कुछ चीजें बुरी है, तो मुझे लगा कि आज एक बैलेंस तरीके से इसको रखना चाहिए, मे बी वन प्लस इंप्रूव कर दे। अच्छा कैमरे की बात करते हैं लास्ट, क्योंकि एक कैमरा डिपार्टमेंट इस फोन का रीजन रहा बार बार कि मैं इस फोन की तारीफ करूं, बट इस फोन का जो कैमरा डिपार्टमेंट है ना, इसने इस फोन की बहुत सारी कमियों को छुपा रखा है। मतलब बहुत अच्छा है यार पूरा ओवरऑल कैमरा सेटअप। इस फोन से बहुत फोटोज खींची है, जैसे कि मैं कुछ दिखाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो प्राइमरी कैमरा है ना फोन का, वो बहुत परफेक्ट होता जा रहा है। जिस तरीके की डिटेल्स ये फोन लेकर आ रहा है ना, वो मुझे बहुत ज्यादा नेचुरल लगी। ऐसा नहीं है कि ओवर शार्पनेस डाली हुई है, एक नेचुरल शार्पनेस रहती है फोटोज में। सबसे बड़ी तारीफ की बात पता है मुझे क्या लगी, कि जिस तरीके के कलर्स ये फोन लेकर आता है ना, जिसको कलरफुल फोटोज पसंद है उसको भी ये फोटोज सही लगेंगी, और जिनको बैलेंस्ड अप्रोच पसंद है कलर्स के अंदर, वो भी इन फोटोज में कुछ कमी नहीं निकालेगा। तो एक अच्छा बैलेंस मेंटेन करा हुआ है। बट अगर नेटपिकिंग करके कमी बताऊं ना, तो इस फोटो में ध्यान से देखना कि ट्रीज के पीछे वाला जो एरिया ना वो ब्राइट है, अब वहां पर डिटेल कम हो गई है, तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी बट स्टिल इसने थोड़ा सा खराब कर दिया। एक जगह वन प्लस की बहुत तारीफ करना चाहूंगा, और पता नहीं वन प्लस ने कैसे करा है, चाहे कैसी भी लाइटिंग कंडीशन हो, कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो, फेस पे डिटेल आती है अगर मैं ह्यूमन शॉट कैप्चर कर रहा हूं तो। इनफैक्ट जिस तरीके एक्सपोजर मेंटेन करता है, जैसी स्किन टोन लेकर आता है, चाहे फिर वो डिफिकल्ट लाइटिंग कंडीशन क्यों ना हो, ये इस तरीके की फोटोज आना मेरे को बहुत अच्छी बात लगी। और इस फोन में ना कैमरे का फीचर जो कि आई थिंक आईफोन से इंस्पायर होके वन प्लस ने डाला है, वो है डिफरेंट फोकल लेंथ। मतलब 23mm, 28mm और 35mm, तीनों में हम फोटो कैप्चर कर सकते हैं, और जो फोटोग्राफर्स होते हैं ना उनको 35mm बहुत पसंद आता है, क्योंकि वो एक बैलेंस पर्सपेक्टिव दे पाता है फोटोज के अंदर। इजी वर्ड्स में बोलूं तो एक राइट अमाउंट का जूम होता है 35mm में। और टेलीफोटो लेंस तो इस फोन का इतना अच्छा है कि मैं सिंपली बोलूं अगर कोई भी 3x से 6x के बीच में फोटोज खींचना आता है, खासकर ह्यूमन पोर्ट्रेट, ये फोन आप डेफिनेटली चेकआउट करना, क्योंकि जब इन फोटोज को देख रहे हैं ना, इनमें वीकनेस ढूंढनी पड़ रही है पूरा जूम कर करके। और मेन कैमरे की तरह जो कलर्स है, डिटेल है, जो ओवरऑल प्रोसेसिंग है, वो बहुत इंप्रेसिव ही बोली जाएगी टेलीफोटो की। इनफैक्ट अगर मैं एक्शन फिगर की भी फोटो खींच रहा हूं, फ्लावर की या फिर चाहे कोई छोटा सब्जेक्ट हो, बड़ा हो, हर एक कंडीशन में अच्छा वर्क कर रहा है। और अगर जूम भी करें ना, अगर हम 6x तक, आप ये वाली फोटो देखो, मेरे हिसाब से आंखों में जो डिटेल आ रही है वो बहुत अच्छी है। तो मतलब इतनी जूम पे भी डिटेल आना अच्छी बात ही है। इन शॉर्ट किसी भी लाइटिंग कंडीशन में अच्छे रिजल्ट्स आना तारीफ की बात है, बट हाँ अगर 6x से ज्यादा जूम करने गए इस फोन में तो वहां पर फोटो मैस होने लगती है। और पता है पोर्ट्रेट मोड बहुत स्मार्ट है, मतलब फोन को इतना पता होता है कि अगर क्लोज सब्जेक्ट है तो ज्यादा एग्रेसिव ब्लर होगा, ज्यादा ब्लर होगा, और अगर सब्जेक्ट दूर है तो वहां पर सॉफ्ट सा ब्लर होगा जो कि अच्छा लगेगा। और इस फोन का जो अल्ट्रा वाइड लेंस भी है ना, वो भी इनफ डिटेल लेकर आता है, इसमें भी डायनेमिक रेंज अच्छी है, और ओवरऑल जो डिटेल्स है वो मैं अच्छी बोलूंगा।
होगा। और हाँ, सेल्फी की बात करूं तो जो 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है यार, वन प्लस 11 के मुकाबले तो मुझे इम्प्रूव्ड फील हुआ, क्योंकि जैसे कि आप सैंपल्स देख रहे हो, मेरे हिसाब से अच्छी सेल्फीज में ही काउंट होंगी। बाकी वन प्लस 12 की पहली वाली वीडियो मैंने आपको बताया था ना कि 4K 60 FPS शूट तो कर सकते हैं, लेकिन अगर लेंस स्विच करना है तो वो 4K 30 FPS पे होता है। अब जो ओवरऑल वीडियो है वो तो मुझे पसंद आई, 1x से लेके 3x तक भी, मतलब टेलीफोटो लेंस में वीडियो के आउटपुट अच्छा आ जाता है। बट अगर 3x से ज्यादा जूम करते हैं तो वहां पर मुझे लगता है कि इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। और जूम से याद आया, OnePlus ने क्या कर रखा है आप देखना, अगर मुझे जूम आउट और जूम इन करना है तो ये स्लाइडर दे रखा है, जो कि सबसे घटिया तरीका है किसी भी लेंस में स्विच करने के लिए। मुझे पर्सनली ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है। आई थिंक इसको OnePlus को फिक्स कर देना चाहिए। बट अगर मैं वैसे ओवरऑल कैमरे की बात करूं वीडियो और फोटो को देख के, तो मुझे तो एक्चुअली में कैमरा डिपार्टमेंट बहुत सही लगा। और अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। देखो, इस फोन को यूज करके नो डाउट मजा तो मेरे को बहुत आया, बट एक चीज याद दिलाता हूँ आपको, 2 साल पहले OnePlus 10 Pro आया था 67,000 रुपीस का, और अब एग्जैक्ट 2 साल बाद OnePlus 12 आया है 65,000 रुपीस का। स्टिल OnePlus 10 Pro के मुकाबले OnePlus 12 फार बेटर स्मार्टफोन है अगर ओवरऑल पूरे डिपार्टमेंट देखा जाए तो। यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि OnePlus एज अ ब्रांड कितनी जल्दी इंप्रूव करता हुआ जा रहा है, जो कि बहुत तारीफ की बात है। बट जैसे कि मैंने इस वीडियो में बोला, अगर OnePlus ने अपना सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट भी टॉप नॉच कर लिया, अनस्टॉपेबल ब्रांड बन जाएगा मेरे हिसाब से। और आई थिंक एक बार मुझे क्लियरली बोलना चाहिए कि मुझे OnePlus 12 बहुत पसंद आया, आप खरीद सकते हो, और ऊपर से जिस 65,000 रुपीस के प्राइस टैग पे आया ना, अच्छा फोन बोला जाएगा। बट स्टिल ऑफर लगा लेना भाई, 63,000 रुपीस का हो जाता है ऑफर लगाने के बाद, वो और अच्छी चीज है। बाकी अगर आप ये फोन यूज कर रहे हो तो आप अपना भी रिव्यू लिख सकते हो भाई कमेंट सेक्शन में, बहुत लोगों की हेल्प होती है, आप अपना ओपिनियन भी लिख कर जाओ। बाकी स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो भाई, अपना हैंडल यहाँ लिख दूंगा, फॉलो कर लो भाई। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बर आर्मी को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।